शिव सदगुरु भगवान के चरणों में नमन। गुरुदेव, मेरे प्रकट के नेत्र नहीं हैं, बट आपके मुख से सुना है कि मंत्र का एक एक अक्षर का ध्यान करना चाहिए। महाराज जी, मैं मंत्र के अक्षर प्रकट के नेत्रों से भी आंतरिक नेत्रों में विशेष दम होती है। अगर हम अभी कोई दृश्य बताएं तो कल्पना में अभी आ जाएगा। कोई भी बात इन नेत्रों में तब आती है जब पहले हमारी चिंतन में कल्पना में आ जाती है। ऐसा नहीं कि इन्होंने प्रकृति को देखा नहीं, इस जन्म में नहीं देखा, लेकिन जो अंदर जीव है वो मन को लिए हुए अनंत जन्मों से विचर रहा है, तो हर प्रकृति की वस्तु देखे हुए है। तो अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो नाम आ जाए। देखो, परम पूज्य श्री सूरदास जी महाराज भारी लीला गायन, इतने लीला गए, जो प्रज्ञा चक्षु जन है उनमें दिव्य सामर्थ्य भी अंदर है। अगर वो चाहें तो खोल सकते हैं अपने नेत्र, बाहर के नहीं, अंदर के। और भगवत राज्य में अंदर के नेत्रों का ही प्रयोग, ही के नयन निहारे, ये नयन तो ठीक है, थोड़ा सहयोग देते हैं अगर उपासना में लगाओ तो, नहीं तो ये वासना ही का सहयोग देते हैं ज्यादा, इनके बंद रहने में ही अच्छा है। ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए कि मेरे बाहरी नेत्र नहीं है। अगर आप नाम का भी ध्यान नहीं कर पा रहे तो राधा राधा राधा, तो नाम भी आ जाएगा और रूप भी आ जाएगा। आप देख लेना, नाम भी छा जाएगा और रूप भी छा जाएगा। कोई भी ग्रंथ की ऐसी बात नहीं जो तुम्हारे हृदय में ना आ जाए। जहां नाम चलता है, उपासना चलती है, वह सब ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा है संसार ना दिखाई दे, बहुत अच्छा। एक तो लौकिक दृष्टि से कहा जाता है कि अब क्या अच्छा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सच्ची मानो बहुत बढ़िया है। तुम इस बात से कभी दुखी ना हो कि हमारे बाह्य नेत्र नहीं है। नहीं, आप नाम जप कीजिए, प्यारी जी उससे प्रार्थना कीजिए, वो ऐसे नेत्र खोल देंगी कि नेत्र वाले भी जो नहीं देख पाते वो आप देख लेंगे। बहुत सामर्थ्य है प्रभु में बाहरी नेत्रों को, बहुत नेत्र है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, गंदगी ही देखी जा रही, भगवान को तो देख नहीं पा रहे। ज्यादा इसमें दुखी नहीं होना चाहिए, आनंदित रहना। गुरुदेव, मेरे घर में नॉन वेज बनता है, मेरे पास जुगल